आध्यात्म साहित्य बहुत सारे किताबों की भी चर्चा है। अभिनय से साहित्य का रुझान कैसे शुरू हुआ? देखिए, अभिनय जो है वो समष्टि को, संसार को स्वयं बना के प्रस्तुत करने की एक विधा है, और साहित्य जो है, लेखन जो है, वो स्वयं को संसार बना के प्रस्तुत करने की विधा है। तो एक स्वा से संसार की यात्रा है और दूसरी संसार से स्वा की यात्रा है। और मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो आप हो, मैं हूँ, या संसार में कोई भी हो, कला उसकी प्रकृति होती है, कला उसका स्वभाव होता है। कुछ लोग होते हैं जो कला को जीविका के लिए उसका उपयोग करते हैं, तो वो कलाजीवी कहलाते हैं, कलाकार कहलाते हैं। लेकिन देखा जाए तो कलाकार इस संसार में सारे के सारे लोग हैं, क्योंकि कलाकार का मतलब ही होता है जो निराकार को साकार करे वो कलाकार। कि चाहे अब जैसे जितने भाव हैं, भाव निराकार होते हैं, लेकिन हम भाषा या भंगिमा के माध्यम से उन भावों को साकार प्रस्तुत करते हैं और लोगों को अनुभूत करवाने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि साहित्य हो या अभिनय हो, एक में आपको लिखना है, विचारना है, और दूसरे में आपको करना है। तो कर्म और कथन की जो एक जुगलबंदी होती है, वो साहित्य और कलाकार की जुगलबंदी है, अभिनेता की जुगलबंदी है। आपका नाम भगवान शिव का नाम भी है जी। कुछ कहानियाँ सुनी हमने कि नाम के पीछे भी आपने खुद अपना नाम रखा, क्या कहानी है? कहानी सिर्फ इतनी ही है कि जब हमारे घर में पार्थिव शिवलिंग निर्माण की प्रतिदिन पूजा होती थी और मैं छोटा था, तकरीबन 3.5 बरस की हमारी उम्र होगी, तो उस दौरान जब एक दिन पार्थिव शिवलिंग निर्माण अपनी रुद्राभिषेक हो रहा था, तो हमारे गाडरवारा, जो हमारा गांव है, हमारा जन्म स्थान है, तो वहां पर मैं अपनी माताजी और पिताजी के साथ बैठा हुआ था, माताजी की गोद में था। तो जब श्रद्धेय पंडित जी ने ओम आशुतोषाय नमः करके हमसे वो करवाया, तो मुझे अचानक ये लगा कि इसका मतलब क्या होता है। और हमारे यहाँ बच्चों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता थी, तो भले ही 3.5 बरस की उम्र हो, लेकिन बच्चे जितने छोटे होते हैं उनकी जिज्ञासाएं को हम बड़े लोग अक्सर बहुत छोटी मान के टाल देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये था कि छोटा बच्चा है तो उसकी छोटी जिज्ञासा उसके लिए बहुत बड़ी जिज्ञासा है। तो उसका समाधान किया गया और बताया गया कि ये देवाधिदेव महादेव शिव का एक नाम है। तो हमने पूछा कि नाम तो है लेकिन इसका अर्थ क्या है? तो जब ये बताया गया कि आशुतोष का मतलब होता है थोड़े में संतोष करने वाला या शीघ्र ही प्रसन्न होने वाला, तो मुझे लगा कि व्यक्ति की अंदर आज जब मैं सोचता हूँ, मैंने कहा कि भाई मुझे ये नाम पसंद आ गया और आज से मेरा नाम आशुतोष होगा। जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं आशुतोष राणा के, अभिनय, साहित्य, आध्यात्म। व्यक्तिगत जीवन की बात हम करते हैं जी। रेणुका जी और आशुतोष राणा की जोड़ी एक आदर्श जोड़ी के तौर पर देखी जाती है जी। कैसे सिलसिला शुरू हुआ? रेणुका जी घर घर के आपने देखा होगा, घर घर में भाभी जी के बराबर का सम्मान उन्होंने प्राप्त किया है जी। तो कैसे सिलसिला शुरू हुआ? इस जगत में सबसे ज्यादा कठिन होता है प्रेम, तो हमको आपको सबको मिल जाता है, लेकिन सम्मान और विश्वास, ये दो चीज़ें कमाने के लिए कहीं ना कहीं हमारे आपके सबके पूरे जीवन निकल जाते हैं। तो ये परम सौभाग्य है और परम सौभाग्यशाली हैं हम और रेणुका जी के, दोनों के जीवन में प्रेम तो मिलता ही है, परिचितों से, अपरिचितों से, सुपरिचितों से, बंधु बांधवों से, परिजनों से और अरिजनों से, सबसे। लेकिन उसके साथ साथ हमें सम्मान और विश्वास भी मिलता है। तो रेणुका जी हमारी मित्र थी, और जब हम मुंबई में काम कर रहे थे और फिल्में कर रहे थे, तो उस दौरान मित्र थी। तो परम पूज्य दद्दा जी जो मेरे जीवन के मार्ग भी हैं, मार्गी भी हैं और मंजिल भी हैं। तो दद्दा आए और दद्दा ने यह तय किया कि बेटा, ये जो तुम्हारा बंधुत्व है रेणुका का और तुम्हारा, इस बंधुत्व को अब कहीं ना कहीं और सघन होना है और तुम दोनों को परिणय सूत्र में बन जाना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों ही एक दूसरे के पूरक हो। तो हमने फिर रेणुका जी से प्रार्थना की, निवेदन किया कि क्या हमारी ये जो मित्रता है, क्या ये मित्रता कायम रहते हुए हम एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में भी रह सकते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि उनके जैसी संभली हुई, उनके जैसी गंभीर, उनके जैसी संवेदनशील और उनके जैसी विवेकवान, प्रज्ञावान स्त्री ने मुझे अपने जीवन में वो स्थान दिया कि पति के रूप में हमको स्वीकार कर लिया। तो रेणुका जी मेरे मित्र भी हैं, मेरी सहगामिनी भी हैं,
मेरी अग्रगामी भी हैं और मेरी अनुगामी भी हैं। और यही चीज हमारे साथ भी है कि मैं उनका मित्र भी हूँ, कभी मैं उनका सहगामी होता हूँ, कभी अग्रगामी होता हूँ और कभी अनुगामी होता हूँ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेम की सफलता के लिए जो रेणुका जी के साथ जुड़ते हुए मुझे लगा कि समझ आई कि प्रेम अगर है तो प्रेम के अंदर आपके अंदर स्वामी होने की भी क्षमता होनी चाहिए और आपके अंदर दासत्व की भी भावना होनी चाहिए। आप दास होने की भी क्षमता आपके अंदर, हुनर आपके अंदर होना चाहिए। कभी आप दास होते हैं अपने प्रेमी के, तो कभी आप अपने प्रेमी के स्वामी होते हैं। तो वो वाली स्थिति पति पत्नी के जीवन में, क्योंकि विवाह जो होता है वो बदलाव का विषय नहीं होता। मैरिज जो है, इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ चेंज, इट्स ए मैटर ऑफ एक्सचेंज। ये बदलाव का विषय नहीं होता, ये बढ़ाव का विषय होता है, ये परिवर्तन का होता है। समाहित करना चाहते हैं तो समाहित होने के भाव भी आपके होने चाहिए। एक बात आपने भी कही कि रेणुका जी आपकी बहुत अच्छी दोस्त है। वैसे भी आशुतोष राणा को अपने दोस्तों के लिए जाना जाता है जी। दोस्त कितनी अहमियत जिंदगी में रखते हैं, किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में? क्योंकि कई ऐसे किस्से हम सुनते हैं कि काश उस आदमी के पास कोई एक दोस्त होता सुनने वाला, तो उसकी जिंदगी कुछ और होती। ये बड़ी अच्छी बात आपने सुधीर कही। मेरा ये मानना है कि हम तो अपने लिए बड़ा वफादार दोस्त चाहते हैं, लेकिन क्या हम किसी के वफादार दोस्त हैं जी? अगर हम उस दिशा में प्रयास करें, हम अपने लिए बड़ा विश्वसनीय मित्र चाहते हैं, लेकिन क्या हम किसी के लिए विश्वसनीय मित्र हैं? हमने तो हमारे लिए ईमानदार मित्र की अपेक्षा की है, लेकिन क्या हम किसी के लिए ईमानदारी का प्रतिमान है? तो मेरी प्रक्रिया ये होती है कि मुझे विश्वसनीय मित्र बनना है, मुझे ईमानदार मित्र बनना है, मुझे वफादार मित्र बनना है। अब वो मेरे हिस्से में आए या ना आए, लेकिन मैं एक मित्र के रूप पर, क्योंकि दोस्त का मतलब ही होता है कि जहां पर दो हस्तियां जो हैं वो समाप्त हो जाए। तो ये समाप्ति की प्रक्रिया है, ये प्राप्ति का इसमें कोई वो नहीं होता है। तो अगर आप समाप्ति की दिशा में बढ़ रहे हैं तो उसके बाद जो प्राप्ति आपको होती है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आनंद का संचार करती है। और इसी कारण मेरे पास अपार मित्र संपदा है और मैं मित्रों के लिए, और मैं बड़ा अपने आप को गौरवान्वित और आनंदित महसूस करता हूँ कि मेरे मित्र मुझे विश्वास करते हैं, मेरे मित्र मुझे ईमानदार मानते हैं, या मेरे मित्र मेरे तो इसी कारण मुझे भी बड़े ईमानदार, समर्पित, वफादार और मेरे लिए सदैव तत्पर रहने वाले। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे दुख और छोटे छोटे सुख में जो आपके साथ सतत रहे, बड़े दुख या बड़े सुख में तो आपके साथ परिजन ही नहीं, मित्रजन ही नहीं, अरिजन भी रहते हैं जी। कि अगर किसी का बड़ा लाभ हो जाए या किसी का बड़ा नुकसान हो जाए तो सांत्वना देने के लिए जो व्यक्ति आपके भाव क्षेत्र में नहीं आता वो भी आपके घर पे आके आपको सांत्वना दे के चला जाता है। लेकिन हमारे जीवन के छोटे छोटे सुख और छोटे छोटे दुख में जो व्यक्ति सदैव और सतत आपके साथ खड़ा रहे तो वो आपके मित्र क्षेत्र में आता है। और मेरा ये मानना है कि मैं भी अपने मित्रों के छोटे छोटे सुख छोटे छोटे दुख में खड़ा रहता हूँ। और दूसरी बात, मैं कभी अपेक्षा के भाव से नहीं भरा रहता।